नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। हम अपने आज के इस एपिसोड में सीखेंगे कि कंप्यूटर में फोल्डर कैसे बनाया जाता है। फोल्डर मतलब डायरेक्टरी कैसे बनाया जाता है, जिसमें हम लोग अपना सेपरेट फाइल वगैरह रख सकते हैं। फोल्डर एक बैग की तरह होता है, जिसमें हम लोग अपना कॉपी किताब, पेज, पेंसिल वगैरह रखते हैं। फोल्डर सिर्फ एक स्पेस हो गया, जो कि अपने हम लोग सेपरेट फाइल को रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, हम लोग फोल्डर कैसे बनाएंगे और कहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेस्कटॉप में फोल्डर कैसे बनाया जाता है। ये जो खाली स्क्रीन दिख रहा है, जिसमें ढेर सारा आइकॉन्स है, ये डेस्कटॉप एरिया कहलाता है। इसमें अगर हम लोग को फोल्डर बनाना होगा तो माउस से हम लोग राइट क्लिक करेंगे बीच स्क्रीन पे, इसमें न्यू में जाएंगे। न्यू के अंदर यहाँ एक फोल्डर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर टू नाम का एक फोल्डर बन गया। ये वन पहले बना हुआ होगा, इसलिए टू दिखा रहा है। तो उसके बाद फिर हम लोग इसका नाम चेंज कर देंगे। अगर हम फोल्डर का कुछ नाम रखना चाहते हैं, जैसे टेस्ट फोल्डर, ये हम लोग अपना फोल्डर का एक नाम रख दिए टेस्ट फोल्डर, इंटर कर दिए, एक फोल्डर कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग एक मूवी नाम का फोल्डर बनाते हैं, जिसमें हम लोग फिल्म रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे जाएंगे, इसका नाम हम लोग मूवी रख सकते हैं या मूवीज कर देते हैं, इंटर करेंगे या क्लिक करेंगे, ये फोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग ये फोल्डर को का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, बना हुआ फोल्डर पे, उसमें रीनेम पे जाएंगे और उसका नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग सॉन्ग्स कर देते हैं, नाम चेंज कर दिए। फोल्डर बनाने के लिए तो हो गया राइट क्लिक का यूज। अगर हम लोग इसका शॉर्टकट की के बारे में जानना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की होता है फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट और एन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। न्यू फोल्डर टू यहाँ पे क्रिएट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। इसका नाम हम लोग रख देते हैं गेम्स, हो गया, तीन फोल्डर क्रिएट हो गया। ये हम लोग फोल्डर डेस्कटॉप में क्रिएट किए। अगर हम लोग फोल्डर चाहते हैं कि किसी दूसरे ड्राइव में बने, तो हम लोग उस ड्राइव को ओपन करेंगे जिस ड्राइव में हम लोग फोल्डर बनाना चाहते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर में गए, कंप्यूटर में हम लोग जाते हैं, सी डी ई ड्राइव दिख रहा है, जी ड्राइव दिख रहा है, डी में चले जाते हैं। डी में राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिए, इसका नाम हम लोग रख देते हैं पीपीपी। ठीक है, आज हम लोग फोल्डर बनाने का तरीका सीख लिए और फोल्डर का नाम भी चेंज करने का तरीका सीख लिए। अगर हम लोग को फोल्डर डिलीट करना होगा, डेस्कटॉप में से डिलीट कर देते हैं, इस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, इसमें डिलीट का ऑप्शन होगा, इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। यस करेंगे तो रिसाइकल बिन में चला जाएगा, ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से अगर डिलीट बटन भी प्रेस करेंगे तब भी डिलीट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये फोल्डर बनाने का तरीका राइट क्लिक से कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट एन से बना सकते हैं, या माउस से राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना सकते हैं। फिर अपने अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस फोल्डर का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।